रक्षण नहीं कर पाए, जो हमेशा सौभाग्यवती स्त्री का आशीर्वाद देते हैं और हिंदुत्व की रक्षा के लिए कहते हैं, आज इन्होंने मुगल शासन से ज्यादा अंग्रेजों से ज्यादा अत्याचार किया है। किसी अंग्रेज शासक ने, किसी अंग्रेज ने ये नहीं कभी किया था कि हिंदुओं की पत्नियों औरतों का सुहागन होते हुए भी वो बाल मुड़वाए, जो इस शासन में हुआ है। केंद्र में, राज्य में बीजेपी की सरकार है, देख लो कितना हाहाकार मचाई है इस सरकार ने कि शिक्षक, आज शिक्षक और महिलाएं जो आज अपने सुहाग के रहते हुए अपने केशों का परित्याग करके और अपने भाइयों को, बहनों को जो कि देवों को प्राप्त कर चुके हैं, मृत सैया पर जा चुके हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रही है। ये मैं ललकार के कहती हूँ, अगर आप में अभी भी क्षत्रिय का खून है माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप अपने आप को महंत कहते हैं या तो आप अपने नाम के आगे से योगी लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपने आपके अपने राज्य में आपने किसी भी क्षत्रिय की रक्षा नहीं की, ना आपने हिंदुत्व की रक्षा की है। मैं आपको बोलती हूँ, आपके सामने अगर गट्स है, मेरे में गट्स है, इसीलिए मैं मीडिया के सामने बैठ के अपने केशों का परित्याग कर रही हूँ। मैं शिक्षक हूँ, मैं बनाना भी जानती हूँ भविष्य को, तो बिगाड़ना भी जानती हूँ, और उसका चैलेंज मैंने किया है, एक्सेप्ट किया है कि आज अगर मैं अपने केशों का, जो कि महिलाओं के लिए सबसे प्यारा होता है, और यहाँ से घर जाने के बाद हमें हजारों सवालों का जवाब देना पड़ेगा, हमें हजारों समाज को इसी बनाए हुए ढकोसलों को हजारों जवाब देना पड़ेगा कि अपने केशों का परित्याग क्यों करके आए। एक शब्द रहेगा, योगी आदित्यनाथ जी से पूछिए, मोदी से पूछिए, भेकू बाबा से पूछिए, पूछिए उनसे जो हिंदुत्व की रक्षा करते हैं, लेकिन आपकी इस बहन की, बेटी की, बहू की रक्षा नहीं कर पाए, उन्होंने हमको जीते जी मार डाला। और बहनों, रोने की जरूरत नहीं है, जहां स्वाभिमान मरा था एक साल पहले 25 जुलाई को, आज अगर हमारे केशु का परित्याग होता है तो इस एक एक केशुओं की कसम हम इनको नस्ते नाबूद कर देंगे। मीडिया से हम सामने कहते हैं कि बीजेपी की सरकार वो छल से आए, दम से आए, कैसे भी आए, लेकिन इनके किसी भी नियम को हम फॉलो नहीं करेंगे, चाहे वो मूल विद्यालय जाने वाले नियम हो, चाहे कोई भी नियम हो। जब ये हमारी इच्छा नहीं पूरी कर सके, हमारी मांगों को, जायज मांगों को नहीं पूरा कर सके, तो हम भी इनके किसी भी, ये और इससे ज्यादा क्या करेगी, इससे ज्यादा अपमान क्या करेगी, मौत दे देगी। हम मौत में लड़ने मरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इससे ज्यादा कोई नहीं मरेगा। और अगर अपने यहाँ अभी भी हमारा स्वाभिमान जिंदा है, तो वो हमारा आत्मविश्वास है, वो हमारा आत्मविश्वास है कि हम जिंदा हैं। अब हम इस सरकार को मार के देखेंगे कि ये सरकार कैसे बनती है। एक चाणक्य ने अपने बाल मुड़वाए थे नंदवंश के कारण, नंदवंश ने अपमान किया था, धनानंद ने उनका अपमान किया था, और वो शिक्षक थे, और उन्होंने अपने पूरे केशों का परित्याग करके बस एक चुड़की छोड़ दी थी। हम ये महिला शिक्षा मित्र यही कहते हैं, हमने 17 साल तक स्कूलों में शिक्षा दी है, हम भी शिक्षक हैं और हम एक महिला शिक्षक हैं, हम भी कहते हैं कि जब एक चाणक्य ने समूल नाश कर दिया नंदवंश का, तो यहाँ पर जितनी महिला शिक्षा मित्र है, 172,000 जो शिक्षा मित्र भाई बहन है, वो इसको कहाँ तक ले जाएगी। और ये योगी सरकार सुन ले, मोदी सरकार सुन ले कि भाजपा का इतिहास रहा है, एक बार आने के बाद 30 साल तक लुप्त हुई है, और इस बार अगर गए तो दोबारा नहीं आएगी। ये चैलेंज है हमारा, हम सभी शिक्षा मित्रों का, अगर 132,000 हम यहाँ है, तो हम इनके 10 लाख पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। इसको भी हम लोग पलट के ही दिखाएंगे, हम ही लोग उठाएंगे जिस चीज को हमने, जो शिक्षा हमने जिंदा किया था उसको बुझा के भी दिखाएंगे, जो दिया हमने जलाई से उस प्राथमिक विद्यालय में उसको ये बुझा के दिखाएंगे। हमारे अंदर, हमारी धमनियों में छत्री का खून बहता है, ये योगी आदित्यनाथ छत्री नहीं है, इसके धमनियों में किसी छत्री का रक्त नहीं बनता, ये कोई योगी महंत नहीं है, ये मोदी कोई भी सन्यासी नहीं है, इन्होंने अपने अगर परिवार का परित्याग किया है तो सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण किया है, और हम अपने केशों का परित्याग कर रहे हैं तो अपने
जो कहा अगर हमने अल्टीमेटम दिया एक हफ्ते पहले कि महिलाएं अपना केस त्यागेंगी तो हम करके दिखाने की क्षमता करते हैं, क्योंकि हमने शुरू से पढ़ा है लघु कुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। एक छत्रानी आपको ललकारती है योगी आदित्यनाथ जी, आपने दीदी को आश्वासन दिया था कि शिक्षा मित्रों के हित में कार्य करेंगे, आपने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम शिक्षा मित्रों का 3 महीने में हल निकालेंगे, लेकिन आज तक आपने हमारा कोई हल नहीं निकाला और आप हमेशा अपनी राजनीति का शिकार हमको बनाते रहे। आपने जब देखा कि महिलाएं केस त्यागने की बात कर रही हैं तो बहुत जल्दी आपने मूल विद्यालय का नियम लागू कर दिया। वो बोलो बीएड को सुप्रीम कोर्ट ने मना किया फिर भी एनसी फिर लाया जा रहा। आपने मूल विद्यालय भेजने की जो चाणक्य नीति खेली है, हमसे बड़ा चाणक्य आप नहीं है, चाणक्य भी शिक्षक था, मुझसे ज्यादा आपको नहीं पता चाणक्य के अंदर क्या गुण थे। और आपने जो ये पासा फेंका है मूल विद्यालय भेजने का, हम अच्छी तरह जानते हैं। आप ये साबित करना चाहते हैं, ये हाई कोर्ट को भेजना चाहते हैं लिखकर कि हमारे यहाँ कोई भी पैरा टीचर नहीं है, सभी शिक्षा कर्मी है, शिक्षा मित्र है, और आप हमको निकाल देना चाहते हैं। हमको वो मानदेय नहीं देना चाहते जो 38,878 आता है, केंद्र में पास होता है। आप अपने बात पे नहीं टिके हैं। आपको मैं किसी भी प्रकार का योगी नहीं मानती, हम ही नहीं 1,72,000 शिक्षा मित्र नहीं मानते। और आपने जब बीएड को सुप्रीम कहते हैं मैं कोर्ट के अधीन हूँ, आप क्या कोर्ट के अधीन होंगे? आपने कौन से कोर्ट के नियम माने हैं? आप